तो फ्रेंड्स, आपने कई बार यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग देखी होगी मोबाइल फोन्स की, और आपने ऐसे में कभी मोबाइल फोन अगर खरीदा हो तो ऐसा भी आपने कभी गौर किया हो तो आपको मोबाइल फोन के बॉक्स पे जो है एक वैल्यू देखने को मिलती है, SAR वैल्यू या SAR वैल्यू जिसे आप बोलते हैं। तो आपने कभी सोचा है SAR वैल्यू को अगर आखिर क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों वहाँ पर डिनोट किया जाता है? आपको ये SAR वैल्यू के बारे में पता होना क्यों ज़रूरी है और ये आपके लिए कितना ज़्यादा महत्व रखती है? तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं SAR वैल्यू के बारे में, तो इस वीडियो में लास्ट तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ। SAR वैल्यू जिसे आप कैपिटल में वहाँ पर SAR वैल्यू लिखा होता है, तो दरअसल में उसकी फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। यानी कि जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको पता है कि मोबाइल फोन्स या कोई भी बाकी कोई भी डिवाइस हो जिसमें कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलती हैं या फिर जिसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, खैर मैं यहाँ पर खाली एग्जांपल ले रहा हूँ मोबाइल फोन्स का। तो यहाँ पर मोबाइल फोन्स में आपको पता है कि कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से वहाँ जो है कम्युनिकेशन के लिए वेव्स का यूज़ किया जाता है, और जो वेव्स है वहाँ पर यूज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आपके फ़ोन में जो है एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर, दो चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में जो है ये रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल एंटीना से और उसके बाद मोबाइल टावर से आए जो आपका दूसरा फ्रेंड है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है जो फ़ोन है आपसे आपके अपने ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है और वहाँ से रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी हार्मफुल आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक हार्मफुल होती हैं। ऐसा भी कुछ केसेस में है, यहाँ पर कुछ चूहों पर जो है साइंटिस्ट, जैसा कि आपको पता है चूहों पर रिसर्च करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो रिसर्च किए गए चूहों पर तो पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हुई। खैर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से, खैर मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। खैर तो SAR वैल्यू के बारे में आपको बताऊं, तो SAR वैल्यू जो है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट इसी पर बेस्ड है कि कितने अमाउंट में जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसे वो ट्रांसमिट और वहां से रिसीव कर रहा है। और बॉक्स पे जो आपको SAR वैल्यू देखने को मिलती है वो SAR वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि जो है मैक्सिमम जो आपका डिवाइस है वो उस SAR वैल्यू तक पहुँच सकता है। तो जो SAR वैल्यू मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो दो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स, ये जो दो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने फिक्स वैल्यू SAR की निर्धारित की है, जिसके बेसिस पर जो है अगर आपके डिवाइस की SAR वैल्यू इससे ऊपर जाती है तो आपका डिवाइस जो है मार्केट में आप नहीं बेच सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपके फ़ोन की या आपके जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या कोई भी रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है, तो उसकी जो रेटिंग होती है, जो उसकी SAR वैल्यू है, वो मैक्सिमम 1.6 वॉट पर केजी होनी चाहिए। और ये और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है जिस पे कि 2012 से पहले इंडिया भी यूज़ करता था यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को, खैर 2012 के बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में जो था यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में आपको देखने को मिलता है 2.0 वॉट पर केजी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू SAR वैल्यू कैलकुलेट की जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड में, वो 1 ग्राम टिशू को लेके उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है उसमें 10 ग्राम टिशू को लेके उसका एवरेज निकाला जाता है कि वो टोटल जो एवरेज उस मास उस टिशू में कितनी जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया गया। तो यहाँ पर बात का मैं कर रहा था, हाँ देखो भाई यहाँ पर छत पर बच्चे हमें देख रहे हैं, पता नहीं कौन से जगह ग्रह से आया हूँ मैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ नई चीज़। खैर मैं कहाँ पता, हाँ तो स्पेसिफिक एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रेडिएशन, जब आपके पास जो रेडिएशन होती है दो तरह की होती हैं, दो जगह पर मेजर की जाती है। जो पहली है वो रेडिएशन है आपकी हेड की और बाकी नीचे नेक से नीचे पूरे बॉडी की। तो यहाँ पर हेड की पूरी इसलिए स्पेसिफिकली मेजर की जाती है क्योंकि आप जब बात करते हो तो आपका फ़ोन आपके कान के सबसे पास होता है, यहाँ पर हेड के सबसे पास होता है। तो ऐसे में हेड के लिए एक स्पेसिफिकली वैल्यू दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बाकी प्रॉपर बाकी पूरी बॉडी के लिए जब आप अपने फ़ोन को कभी पॉकेट में या कभी अपने बेल्ट वगैरह पे अटैच करते हैं तो ऐसे में जो है बाकी बॉडी पे कितना इफेक्ट करता है उस पर रिलेटेड होती है। तो अगर SAR वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर जो मान लीजिए किसी डिवाइस की SAR वैल्यू है 2.0 वॉट पर केजी, तो यहाँ पर 1 केजी जो टिश्यू है उसमें आपको 1 वॉट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, इतनी रेडिएशन जो है आपका डिवाइस रेडिएट करता है कि 1 केजी आपका टिश्यू है वो 1 वॉट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो एनर्जी है उसे आप वॉट में कैसे मेजर करें, तो मैं आपको बता दूं, 1 वॉट मतलब ये होता है, वॉट का मतलब होता है एनर्जी की रेट पर सेकंड, यानी कि 1 वॉट मतलब 1 जूल पर सेकंड, यानी 1 जूल एनर्जी को जो है 1 सेकंड में आपका 1 केजी टिश्यू
एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि मेरे को मेरे अंदर भी क्वेश्चन उठा था कि यहाँ पर जो सार वैल्यू है यानी कि जो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो एक्टिव एनर्जी, वो एनर्जी को वाट में कैसे मेजर किया जा रहा है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, वाट का मतलब होता है 1 जूल, 1 वाट का मतलब यानी 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में आपकी 1 kg टिश्यू 1 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स भी हैं कि जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा सार कॉन्शियस लोग होते हैं जो फ़ोन को ख़रीदते वक्त क्या सोचते हैं कि जितनी कम सार वैल्यू होगी उतना ही कम जो है आपको रेडियो एक्टिव रेडिएशन से इफ़ेक्ट होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ फ़ोन्स में जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के सार वैल्यू को डिनोट किया जाता है और कहीं पर जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड। खैर इंडिया में 2012 के बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड्स लागू कर दिए गए थे, तो यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के आपको सार वैल्यूज देखने को मिलेंगी। और फिलहाल अगर आपके फ़ोन में अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अगर आप सार वैल्यू को बिना देखे भी अगर फ़ोन को ख़रीदते हैं तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन जो है मार्केट में तभी आया है जब वो जो है गवर्नमेंट ने इसे सर्टिफाई कर दिया कि इसकी सार वैल्यू प्रॉपर है। तो आई होप सार वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ अच्छा आपको बताया, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिस दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, और साथ ही साथ नीचे बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन सब्सक्राइब बटन की जिससे दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और बिल्कुल बेशक बेल आइकन को दबाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए। ये सब्जी वाला नहीं जा रहा यहाँ से, अभी आके थोड़ी देर में चिल्लाएगा, इसकी सब्जी बिक जाएगी, सो यहाँ से चिल्ला तो वो जाएगा नहीं तो चला जा भाई। इतनी देर सब्जी खरीदने में कौन लगा था भाई, चलो छोड़ो, जब जाएगा तब जाता रहेगा। SAR वैल्यू को ज़रूर बताता है। यो बेटे तुम भी आके इंटरप्ट करो, शाबाश, तुम भी मत बनने दो वीडियो। आजा देख ले, आजा आजा वीडियो बना रहा हूँ, आजा। वाह कपड़े पसार रहे हो, वेरी गुड बेटे, धूप निकल आई ना।